बड़ी बड़ी बातें करने से ना रियलिटी नहीं चेंज होती है, रियलिटी यही है कि तुम हार चुकी हो, बस मानना नहीं चाहती। चलो ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे और इंद्रेश की पूजा पूरी नहीं होने दी तो तुम्हें मानना होगा कि तुम ये चैलेंज हार चुकी हो। वैसे चैलेंज याद तो है ना तुम्हें? अगर बात चैलेंज की है तो फिर देख ही लेते हैं कि 5 दिन बाद इंद्रेश मेरे साथ जाता है या इंद्रेश यहाँ रुकता है तुम्हारे साथ बच्चे की डिलीवरी के लिए। मंजूर है, लेकिन अगर इंद्रेश मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो तुम्हें ये मानना होगा कि इंद्रेश पूरा मेरा हो चुका है और उसके बाद अपना ये टिपिकल सीरियल वाला रोना धोना बंद करके चुपचाप हमारी जिंदगी से निकल जाना। हमें सब याद है, लेकिन तुम्हें भी एक बात बता देते कि पूजा पूरी जरूर होगी और विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे सारे कष्टों को दूर भी करेंगे और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आएगा सैमी। फिर खत्म होगा तुम्हारा ये खेल। पर एक बात हम तुम्हें याद दिला देते हैं कि अभी भी चैलेंज के 4 दिन बाकी हैं। इंद्रेश, हाँ? वो पूजा का सामान लेने मार्केट जाना है, हमें ले चलोगे? हाँ ठीक। अरे स्वाति, का तुम मार्केट जा रही हो? का हमको लाली लिपस्टिक लेनी थी ना, तो हमको भी चलना था। चलिए। तैयार हो? आज सुबह का सूरज नॉर्थ से निकला लगता है। इंद्रेश स्वाति की हर बात मान रहा है। इन दोनों को अकेला ही नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कहीं इंद्रेश फिर से मिस्टर स्वाति ना बन जाए। मुझे इनके साथ ही जाना चाहिए, शायद वहीं से कोई आइडिया मिल जाए इनके व्रत और पूजा को स्पॉइल करने का। अब इंद्रेश रुको, मुझे भी कुछ सामान लेना है, मैं भी साथ चलती हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, कल प्रातःकाल पुत्री स्वाति विघ्नहर्ता श्री गणेश के संकष्टी पूजा का आयोजन कर रही है और हमने इस पूजा में पुत्री स्वाति का साथ देने के लिए इंद्रेश को भी मना लिया है। माते, स्वाति की संकष्टी पूजा समाप्त होते ही पिताश्री उसे आशीर्वाद अवश्य देंगे और तभी उन 3 असुर पुत्रियों का भविष्य तय होगा। समस्त त्रिदेवियों का हमारा प्रणाम। प्रणाम माते। पुत्र गणेश ने अभी तक इन पोथियों को पढ़ा नहीं? हाँ दादीश्री, हम प्रतीक्षा में ही हैं कि कब वो ध्यान से उठकर इन पोथियों को पढ़ेंगे और उन 3 असुर पुत्रियों की जानकारी हमें दे देंगे। किंतु देवी पौलमी इन पोथियों को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई वार अवश्य करेंगी। जो करना था वो कर चुके, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी। हम स्वयं इन पोथियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ताकि देवी पौलमी फिर से कोई छल ना कर पाए। पुत्री संतोषी, स्वाति की सुरक्षा का ध्यान आपको स्वयं रखना होगा। नारायण नारायण। और माते, माता पार्वती ने पुत्री स्वाति के लिए जो रक्षा सूत्र दिया था वो भी गोद भराई के दिवस आपने पुत्री स्वाति के भुजा पे बांध दिया है, वो भी पुत्री स्वाति की रक्षा अवश्य करेगा। माता अवश्य, परंतु पुत्री स्वाति को अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी ताकि उसकी पूजा में कोई विघ्न आए। अवश्य दादीश्री। भैया ये फूल कैसे दिए? 50 रुपए बहन जी। अच्छा ठीक है, माला भी दे दीजिएगा पर फूल हम खुद चुनेंगे ताजे वाले। जी भैया, नीला पीला हरा गुल...
गुलाबी कौन ऐसी चूड़ी है सतरंगी जिसमें एक ही चूड़ी में सात रंग हो। तुमको भी कुछ लेना था ना, ले लो। वो इंद्रेश मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है, यहाँ आसपास कोई केमिस्ट की शॉप होगी क्या? हाँ यही पास में ही। चले देवी पॉलमी, हम प्रथम बार के लिए तैयार हैं, कृपया आदेश दें। प्रहार हो। जय सुरानी पॉलमी। पूजा के लिए फूल लेने आई है जी, आप भी? बहन जी अगर बुरा ना माने तो एक मिनट हमारे बच्चे को देखेंगे? हमें वो फूल वाले को थोड़े पैसे देने थे। अब निर्धन आदमी है, इंतजार कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आइएगा जी। अरे वाह, तुम्हारी मुस्कुराहट तो बहुत ही सुंदर है। भैया वो औरत कहाँ गई जो आपको पैसे देने आई थी? बहन जी कौन सी औरत? अरे यही तो आई थी, गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी उन्होंने, बच्चा देकर गई हमें संभालने के लिए। पता नहीं कौन सी औरत की बात कर रही हो, तो हम तो किसी को नहीं देखे। हा? बहन जी आपने किसी गुलाबी साड़ी पहनी औरत को देखा है का? मोटी मोटी आंखें थे उसकी और गोल सा चेहरा था। नहीं आप आगे पूछ लीजिए। भगवान कहाँ चली गई है? अरे अरे चुप हो जाओ, कहाँ चली गई है? अरे मेरा बच्चा, कब से ढूंढ रही थी मैं इसको, तुम मेरा बच्चा चुरा के भाग रही थी। का कह रही है बहन जी, आपने तो इसको हमें दिया था थोड़ी देर के लिए संभालने के लिए। अरे तुमको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक तो बच्चा चुराती हो, बच्चा चोर कहीं की, चोर चोर चोर, देखो ये हमारा बच्चा चुरा रही है। वो तो अच्छा हुआ हमने देख लिया, वरना हमारा बच्चा चुरा के भाग जाती। अरे इनका तो धंधा यही है, बच्चा चुरा कर बेच देते हैं ये लोग। खुद से तो पेट से है और दूसरे का बच्चा चुरा के भाग रही, शर्म नहीं आती तुझे? ये लोगों को क्या लाज शर्म है, इनका तो पूरा का पूरा गैंग है। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाकर इनको पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, हमने बच्चा चोर नहीं। देवी संतोषी, ये रहा देवी देवताओं और असुरों के बीच की युद्ध का प्रथम बार। आपकी दुखती रख स्वाति एवं उसके शिशु पर वा। मेडिसिन। ए बच्चा चोर है ये, बच्चा चोर। इंद्रेश वो वहां पे ना कोई औरत बच्चा चुरा कर भाग रही थी, तो शायद लोगों ने उसे पकड़ लिया है।
अच्छा अब इंद्रेश वो तुम वहां जाकर क्या करोगे? वो देखो उधर कांस्टेबल है, तुम उसे जाके इन्फॉर्म करो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। तब तक मैं देखती हूँ कि वहां कौन है। अरे वाह, आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है, अपने आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। स्वाति को पागल डिक्लेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बस मुझे इस सिचुएशन का फायदा उठाना है। ये लो, अब ये सारे टमाटर मेरे, इस ठेले को उस भीड़ के पास लेकर चलो। बच्चा चोर को सजा दो। चोरी कर सकती है ये? हमारे मोहल्ले में बच्चा चोरी करती है ये? क्या क्या हुआ आंटी? देखो कैसी बेशरम औरत है, बच्चा चोरी कर रही थी, अब पकड़ी गई है। सही में बहुत बेशरम है ये तो, खुद प्रेग्नेंट है फिर भी बच्चा चुरा रही है। इस जैसी औरतों को तो ना टमाटर से मारना चाहिए। और टमाटर ही क्यों, पत्थरों से मारना चाहिए ताकि फिर कभी ऐसी औरतें बच्चा चुराने के बारे में सोच भी ना सके। इसे तो सजा हम देंगे, मारो इसे, टमाटर मारो, मारो, ये लो, छोड़े मारो। आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रणाम माते। प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश। प्रणाम पिताश्री। पुत्री संतोषी, आपके भक्त को आपकी आवश्यकता है। जी पिताश्री, स्वाति के शिशु के प्राण संकट में है। देवी पौलमी ने छल से उन तीन असुर पुत्रियों को जीवित किया है और उनकी सहायता से स्वाति के अबोध शिशु को गर्भ में ही समाप्त करने की योजना बना रही है। इन आलेखों में उन असुर पुत्रियों की जानकारी है, वो कौन है और उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है। परंतु आपके सिवा और कोई उन आलेखों को नहीं पढ़ सकता। पिताश्री, आपकी सहायता की हम आशा करते हैं। आपको सर्वप्रथम अपने भक्तों की सहायता करनी होगी, आप प्रस्थान कीजिए। हम इन आलेखों का विवरण कर इसमें लिखी जानकारी को अवश्य पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। जैसी आपकी आज्ञा। क्या कर रही तुम?
अरे बच्चा क्यों चुरा रही थी? क्या पागलपन की सारी हदें पार हो गई है क्या, जो घिनौना पाप करने जा रही थी? किसका बच्चा है? कुछ पूछ रहे हैं, किसका बच्चा है? बात कर रही हैं आप? कौन सा बच्चा? ये बच्चा जो ये औरत लेके भाग गई थी, ये हमारा बच्चा है। ये बच्चा कहाँ है? ये तो गुड़िया मात्र है, एक खिलौना है। इस खिलौने के लिए तुमने सरेआम इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? एक गर्भवती महिला को कितनी पीड़ा दी है, कितना बड़ा पाप किया है तुमने? अंततः देवी संतोषी अपनी परम भक्त की सहायता के लिए आ ही गई। कोई बात नहीं, हम हमारी शक्तियों से इस खिलौने को पुनः जीता जागता बना देते हैं। हमने रंगनी को मायावी बच्चा बनाकर स्वाति को कष्ट में डाला एवं देवी संतोषी ने आकर हमारे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया। रोने वाली गुड़िया है ये बस। अरे हाँ, ये तो रोने वाली गुड़िया है। आप हैं देवी पौलमी द्वारा निर्मित असुर पुत्री? देवी पार्वती, अब आप इसे उस नकेल से बांध दीजिए जो हमें श्री गणेश ने दी थी।
अब हमें इसे लेकर गणेश जी के पास चलना होगा। यहाँ का कार्यभार पुत्री संतोषी संभाल लेंगे। अर्थात देवी संतोषी को हनुमान जी, त्रिदेवियाँ, महादेव एवं समस्त देवी देवताओं का सहयोग पहले से ही प्राप्त था। अब उनके पिता श्री गणेश जी भी उनका साथ दे रहे हैं। तभी श्री गणेश जी ने त्रिदेवियों को हमारी असुर पुत्री को बंदी बनाने का मार्ग बता दिया।